मानेसर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन की बेटी तस्नीम की शादी धूमधाम से हुई। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत कई हस्तियां मौजूद रही। तो आपको बता दें कि ये शादी कई मायनों में खास ये भी रही, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे और वो तस्नीम को अपनी बेटी की तरह मानते हैं, तो ऐसे में उन्होंने ही तस्नीम का कन्यादान भी किया है। इसके अलावा और भी कई हस्तियां मौजूद थी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन की बेटी तस्नीम शादी के बंधन में बंध गई हैं। तस्नीम की शादी बड़े ही धूमधाम से मानेसर के कम्युनिटी सेंटर में की गई, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं पहुंचकर तस्नीम को आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल ने तस्नीम को अपनी बेटी मानते हुए तस्नीम का कन्यादान भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने भी तस्नीम हुसैन को आशीर्वाद दिया। चौधरी जाकिर हुसैन की बेटी के भव्य विवाह समारोह में देश के कोने कोने से राजनीतिक, सामाजिक, उद्योगपतियों सहित बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई, जिनमें की केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, स्वामी धर्मदेव जी महाराज, मुख्य सूचना एवं पूर्व मुख्य सचिव विजय वर्धन, बीजेपी सांसद संजय भाटिया और चौधरी धर्मवीर के साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। तस्नीम के शुभ विवाह में हरियाणा के साथ साथ राजस्थान सरकार के भी कई दिग्गज मौजूद रहे। इसके अलावा शादी समारोह में करीब 25,000 लोगों ने शिरकत की, जिन्होंने तस्नीम को आशीर्वाद देकर उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आपको बता दें, डॉक्टर तस्नीम हुसैन का विवाह शोएब आजाद से हुआ है। शोएब आजाद भी पेशे से डॉक्टर हैं। शोएब आजाद हरियाणा सरकार में पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी आजाद मोहम्मद के सुपुत्र हैं। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से की गई। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।